हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू द ईडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव गॉन थ्रू द थ्री प्रॉपर्टीज। नाउ इन दिस वीडियो वी विल गो थ्रू द लिस्ट। एंड जितना मुझे याद है, मैंने लिस्ट कवर नहीं किया हुआ HTML में। सो पहले लिस्ट कवर करेंगे, HTML लिस्ट, देन उसमें हम कुछ CSS अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स मूव टू आवर VS कोड। And here we have made one of the project regarding the CSS property. Let's make a div here, and there are list means you can show your list item in the form of list. अगर आप चाहते हो कि जैसे आप लिखते हो कि मुझे आज सुबह 8 बजे उठना है, मेरा दूसरा काम है कि फिर मुझे लंच करना है, तीसरा काम मेरा ये है कि मेरे को स्कूल जाना है, फोर्थ काम मेरा ये है कि मेरे को वापस आके पढ़ाई करनी है, और फिफ्थ काम ये है कि मेरे को खेलना है, तो आप कैसे लिखते हो? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, या फिर आप सर्कल बना देते हो, या फिर आप ABCDEF लिख देते हो हर लाइन के आगे। तो वो एक लिस्ट है, और उसके अंदर जितनी बार भी आप जो जो काम आप कर रहे हो वो आइटम्स हैं। जैसे मैं सुबह उठना है, मेरे को फिर नहाना है, मेरे को स्कूल जाना है, तो ये लिस्ट आइटम है। तो इसी चीज़ को आप वेब डेवलपमेंट में कैसे कर पाओगे, तो उसके लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट है HTML लिस्ट। तो हमारे पास दो टाइप ऑफ लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड होती है, एक अनऑर्डर्ड होती है। जो ऑर्डर्ड होती है उसको हम UL से बनाते हैं, जो अनऑर्डर्ड होती है उसको हम लोग UL से बनाते हैं। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, UL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। और जो लिस्ट आइटम होते हैं उनको हम LI से रिप्रेजेंट करते हैं। OL, LI एंड UL आर द टैग। सो लेट्स सी सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग हेयर OL, देन आई एम राइटिंग हेयर LI इनटू 3। सो हेयर आई एम राइटिंग इडू, देन आई एम राइटिंग एवरीबडी, देन आई एम राइटिंग वेब डेवलपमेंट। एंड सो इफ आई विल सी द आउटपुट ऑफ, सो एज यू कैन सी दिस आर इन द 1, 2, 3। वाई? बिकॉज दिस इज ऑर्डर्ड वन, नॉट अनऑर्डर्ड। सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ अनऑर्डर्ड। सो आई एम कॉपिंग द सेम एंड आई एम राइटिंग हेयर UL। सो वेन आई चेंज टू UL, सो वॉट द थिंग हैव बीन चेंज, एज यू कैन सी दिस हैज बीन चेंज टू द डॉटेड लाइन, डॉटेड सिंबल। Our bullet point have been changed to dotted because it is unordered and it is ordered, that's why it is in the form of number 1, 2, 3, 4. I hope both are clear. Now let's understand how we can apply the CSS. So here we can apply the first thing, that is the list style type. मतलब हाँ, देखिए हमारे पास HTML में केवल ये दोनों ही हैं, और उससे हम केवल 1, 2, 3 get कर सकते हैं और ये सर्कल गेट कर सकते हैं। लेकिन वॉट इफ हमें अगर ABCD चाहिए, वॉट इफ कि हमें सर्कल की जगह हमें ये सॉलिड सर्कल नहीं चाहिए, हमें एम्प्टी सर्कल चाहिए और हमें स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा? तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो हम लोग के पास है CSS। तो चलिए चलते हैं। हमने यहाँ पे बनाया, हमने बोला, हमने उसको क्लास दे दी, हमने बोला क्लास, हम इसको चेंज करना चाहते हैं रोमन में, और इसको हमने दे दी क्लास, और इसको हम किस में चेंज करना चाहते हैं, इसको हम चेंज करना चाहते हैं स्क्वायर में। ओके, तो शायद मैंने यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, मैंने स्क्वायर बनाया हुआ है और मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप दिया हुआ है स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर में चेंज हो चुका है, और हमने पहला किया, हमने पहले दिया था रोमन। अब रोमन में हम गए, हमने लिखा स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप, हमने यहाँ पे दिया रोमन, अपर रोमन। एज यू कैन सी दिस हैज बीन चेंज टू रोमन। आप इसकी जगह पे कुछ भी दे सकते हो, आप इसकी जगह पे दे सकते हो डेसिमल, तो इट हैज़ बीन चेंज टू डेसिमल। आप इसकी जगह पे दे दो, आप इसकी जगह पे दे सकते हो डेसिमल, इसकी जगह पे अल्फ़ाबेट्स दे दो ABCD, सो इट हैज़ बीन चेंज टू अल्फ़ा। आप इसकी जगह स्क्वायर दिए, आपने इसके यहाँ पे डिस्क दे दो, तो आप देखिए सर्कल में चेंज हो गया है। तो ऐसे करके आप स्टाइल भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, नाउ दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा आता है लिस्ट स्टाइल पोजिशन। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मैं रोमन में नहीं, मैं स्क्वायर में अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल पोजीशन, मैंने लिखा इनसाइड।
जैसे मैंने इंसाइट किया, आप देखो ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। मैंने इसको कमेंट किया, ये फिर से अपनी जगह पे आ गया। मैंने इसको अनकमेंट किया, फिर से साइड में चला गया। तो इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टूल। हमने आपको डेवलपर टूल नहीं समझाया है, आई नो। पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टी और कवर करेंगे, एक दो। उसके बाद जितनी भी हम लोग ने आज तक प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसमें से मैक्सिमम प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेवलपर टूल। हम डेवलपर टूल ओपन करेंगे, आप F12 दबा सकते हो अपने लैपटॉप की की को, डेवलपर टूल ओपन हो जाएगा। अभी देखिए रेफरेंस क्या है। अगर मैं इस पर होवर करूँ तो अभी आप देखो कि लिस्ट आइटम है, और ये तो लिस्ट आइटम से बाहर ए लिखा हुआ है। मतलब देखिए, अगर आप इसके अंदर जाओगे, अगर उस पर होवर करो तो ये लिस्ट आइटम है, लेकिन जो ABCD है वो लिस्ट आइटम से बाहर लिखा हुआ है, मतलब आउटसाइड। लेकिन वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे लेके आऊँ, आप देखो अब मेरा लिस्ट आइटम के अंदर बुलेट आ गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब आप इनसाइड लिखते हो तो जो ये बुलेट्स वगैरह होते हैं ये लिस्ट आइटम के अंदर ही आ जाते हैं। तो उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होगा, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है आउटसाइड। लेकिन जैसे ही आपने अभी इनसाइड लिखा तो ये क्या है, ये इनसाइड आ गया, और ये क्या है, आउटसाइड। अगर आप इसको आउटसाइड लिख दो तो एज यू कैन सी दिस हैज़ बीन कम टू अस टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। वाई सो, बिकॉज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज आउटसाइड। जब आप इनसाइड लिखोगे तो ये लिस्ट के अंदर चला जाएगा, जब आप आउटसाइड लिखोगे तो लिस्ट के अंदर बुलेट पॉइंट, बुलेट जो सर्कल्स हैं, जो रोमन्स नंबर हैं, वॉट एवर जो उसकी स्टाइल टाइप है, वो नहीं आएगा। ओके, तीसरा हम लोग को पढ़ना है लिस्ट स्टाइल इमेज। तो इमेज सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले तो इसको आप कमेंट कर दो, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देते हो लिस्ट स्टाइल इमेज एंड इफ़ यू आर हेयर राइटिंग द URL एंड आई एम राइटिंग द flower.png, सो इट इज़ गेटिंग सो बिग। एज यू कैन सी इट इज़ गेटिंग सो बिग एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट कमिंग। सो अब आपने इसको तो दे दी, लेकिन आप इसकी इमेज को कैसे सेट करोगे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसकी जो साइज़ है इसको डिक्रीज तो नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कमेंट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है उसको आप नन कर दो। जैसे आपने इसको नन किया तो अब आपके पास स्पेस आ गई। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे आप लगा सकते हो इमेज। आपने स्क्वायर किया, आपने एल किया, मतलब इसका मतलब क्या है कि आप हर लिस्ट के पहले इमेज लगाना चाहते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कंटेंट करोगे कि कंटेंट कुछ भी नहीं है, कंटेंट एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं है और उसके पहले हम लोग इमेज लगाना चाहते हैं। हम लोग इसकी डिस्प्ले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज आएगी तो ये पूरा क्या होगा, ये हम लोग इनलाइन ब्लॉक सेट करेंगे। इनलाइन ब्लॉक हम लोग हाइट सेट कर सकते हैं, हाइट हमने बोला कि 20 पिक्सल, विथ हमने बोला 20 पिक्सल। अब बात यह है कि सब कुछ सेट कर रहे हैं, लेकिन ये किसके लिए कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में आएगा URL में आएगा हमारा flower.png। ओके, इतना तो आ गया। अब हमें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी कुछ और भी सेट करनी होती है, जैसे बैकग्राउंड का जो बैकग्राउंड, आई थिंक बैकग्राउंड साइज हम लोग कर सकते हैं कवर। आप देखो यहाँ पे आ गया बैकग्राउंड कवर। अब आप इसको मार्जिन भी दे सकते हो, मार्जिन राइट से दे सकते हो 10 पिक्सल। सो आपने इसको 10 पिक्सल दे दी, नहीं तो आप इसको 5 दे लो। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो आप इसको ले लो इनसाइड या कर लो आउटसाइड। या तो अब इनसाइड और आउटसाइड में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो स्क्वायर का मैंने बोला कि जो पोजीशन है उसको आप इनसाइड में ले लो, तब भी ये वैसे ही है। मैंने बोला इसको आउटसाइड में ले लो, तब भी ये ऐसे ही है। ये हमारा रोमन अल्फा था, हमने इसको दिया लिस्ट स्टाइल पोजीशन। मैंने बोला कि इनसाइड कर लो तो ये इनसाइड हो गया, मैंने बोला आउटसाइड कर लो तो ये आउटसाइड हो गया। लेकिन आप देखो जब हम ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली, ये बेकार हो जा रही है, इसका कोई यूज़ नहीं रह जा रहा है।
तो हम लोग सिंपली यहाँ पे चील ले लिख सकते हैं कि लिस्ट स्टाइल नन। आई होप लोग कि अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग इमेज लगा कैसे सकते हैं। अगर आपकी इमेज ऑलरेडी छोटी है तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट स्टाइल इमेज की हेल्प से लगा सकते हो। इमेज छोटी है तो ऑलरेडी लग जाएगी, लेकिन वो अगर बहुत बड़ी है तो हम लोग उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो जो मैंने किया था मैं इसको दोबारा वही कर देता हूँ, तो इसका तो कोई यूज़ है नहीं, तो आप इसको कमेंट कर दो। ओके, अब बात आती है कि अगर हमें तीनों चीज़ें एक साथ यूज़ करनी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन, लिस्ट स्टाइल इमेज एंड लिस्ट स्टाइल टाइप, अगर ये तीनों एक साथ यूज़ करना है तो कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आप यहाँ पे, मैं अगर इसको कमेंट कर दूँ, हम लोग दोबारा इस पॉइंट पे आएंगे, और मैंने इसको ये कर दिया। ओके, और मैंने इसको ऐसे कर दिया। लिस्ट स्टाइल टाइप क्या है? रोमन, लोअर रोमन ले लेते हैं, रोमन हो गया, आउटसाइड हो गया, और लिस्ट स्टाइल इमेज हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको, मान लीजिए हमारे पास इमेज छोटी होती है, तो इमेज छोटी नहीं है तो हम तुमको इन दोनों की सहायता से दिखा सकते हैं कि कैसे हम लोग दो तीनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिस्ट स्टाइल देंगे, यहाँ पे हम लोग देंगे लोअर रोमन, और यहाँ पे हमने दिया आउटसाइड। हमारे पास इमेज होती तो हम लोग इमेज भी लगा देते, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पे इनसाइड दे दें तो ये इनसाइड हो जाएगा, आप देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड दे दूँ तो ये आउटसाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखो चेंज आ रहा है, मैं अगेन यहाँ पे इनसाइड दे रहा हूँ तो ये इनसाइड हो गया। इमेज होती तो हम यहाँ पे इमेज भी लगा देते, लेकिन नहीं है तो नहीं लगा रहे हैं। ओके, अब आपने जब देखा था जब हमारे पास इमेज बड़ी थी तो हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे नन। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप अगर इस चीज़ को कमेंट आउट करते हो, मतलब कमेंट को रिमूव करते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो कि लिस्ट स्टाइल जो है वो आपका नन है। तो उससे क्या होगा कि क्योंकि लिस्ट स्टाइल पोजीशन की तो कुछ रह ही नहीं जा रहा है, और जो हमारा लिस्ट स्टाइल इमेज था वो हमने बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो उससे अच्छा है कि जब हमारी कोई स्टाइल लगी नहीं रही है तो हम लोग लिस्ट स्टाइल नन लिख देंगे। तो उससे क्या होगा कि अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज नन हो चुकी हैं, और ये वाला जो कंटेंट है ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। एज यू कैन सी, ये अप्लाई हो चुका है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो हम लोगों ने लिस्ट का सब कुछ तो पढ़ लिया है, बाकी आपको कलर वलर भी देना है तो आप कलर वलर भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एलआई लिखा, एलआई के बाद मैंने लिखा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो आप अपने हिसाब से कलर दे लो। आप देना चाहते हो तो आप कलर भी दे सकते हो, और यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हो, एंड चाइल्ड इवन एंड ऑड। तो जितने भी इवन नंबर, मतलब कि ये वन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, आप इसको 1 2 3 4 5 6 काउंट करो तो ये हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अगर ऑड लिख देते हो तो, एंड यहाँ पे आपने रेड, यहाँ पे आपने ग्रीन लिखा, तो अभी ऐसे चेंज हो जाएगा। तो आप कलर भी दे सकते हो बैकग्राउंड। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग ने यहाँ पर एनथ एलिमेंट लिखा है, हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि होता क्या है, और ये इवन ऑड क्या होता है, और हम लोग क्या क्या चीज़ ले सकते हैं इवन ऑड की जगह पे। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। विद द नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।